बूढ़ी काकी वृद्धावस्था जीवन का वो अंतिम पड़ाव है जब व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण खोने लगता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवाय और कोई इच्छा शेष ना थी। जब बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना दी जाती तो वे बच्चों के समान जोर जोर से रोने लगती थी। भतीजे के घर में भरपेट भोजन के लिए तरसती थी। कभी जाने अनजाने ऐसे वृद्ध जनों का अपमान हो जाने से सदाचारी प्रवृत्ति के लोगों की अंतरात्मा कांप उठती है। मनोभावों के कुशल चितेरे मुंशी प्रेमचंद ने मानवीय आचरण और व्यवहार की इस कहानी को बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। कन्फ्यूशियस ने कहा है कि जिसे आप स्वयं पसंद नहीं करते उसे दूसरों पर मत थोपिए। उनके पति देव को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त बीत चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डीपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम ना थी, तदापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम कभी कभी विचारते कि इसी संपत्ति के कारण वे इस समय भले मानुष बने बैठे हैं। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति ना होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वे आग बबूला हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुड्ढों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का ये रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भाग जाता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु ये बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती हैं, अतएव उनके संताप और आत्रेय नाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से ये कहीं अधिक सुलभ थी। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, ये उसी का उत्सव है। घर के बाहर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे, एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी
और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंध ही चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। ये स्वाद मिश्रित सुगंध ही उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी कि संभवतः उन्हें पूड़ियां ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, उनके लिए कुछ ना बचा। ये सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शकुन के भय से वे रो ना सकी। आह, कैसी सुगंधी है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों के लाले पड़े हैं, तब ऐसा भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियां मिले। ये विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हूक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखमय विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध ही रह रह कर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर आता था, पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूड़ियां छन छन कर तैयार होती होंगी, कढ़ा से गरम गरम निकलकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होगी। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते परेशान हो गई थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने ये ना कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी लें अथवा पंखा लेकर झलें। ये भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठी देखा तो जल गई। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक कैचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई, जल जाए ऐसी जीभ, गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है, नाम बेचने पर लगी है,
नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पत्तले पड़ गई, मेहमान खाने लगे, स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवक गण भी उसी मंडली के साथ, किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यतानुसार जब तक सबके सब खा ना चुके कोई उठ नहीं सकता था। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं वहां क्यों गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर ना चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वे बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचि कर सुबास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तले बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। ये विचार कर वे मन को बहलाने के लिए लेट गई, धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि गीत गाते हुए देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे, किसी की आवाज सुनाई नहीं देती, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया, रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए, सोचती हो कि आप ही आवेगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएगी। ये विचार उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे, पहले तरकारी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करे इतने दिन के बाद पूड़ियां मिल रही हैं, तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वे अकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछी नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं, कोई इस चिंता में था कि पत्तल और पूड़ियां छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता, कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, यह कहां से आ गई। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला उठे, पूड़ियों के थाल को जमीन पर पटक दिया, और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेंटुआ पकड़ लेता है,
उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी आदि भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा ना आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को बहुत सी पूड़ियां क्यों नहीं दे देते, क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वो काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल ना खाई थी, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियां देखकर कैसे प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं, चारों ओर अंधेरा था। केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका, वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी, राम क्या खाऊं, पेट में अग्नि धधक रही है, किसी ने मेरी सुधी ना ली, क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा। बुद्धि राम ने मुझे घसीटा पटका उन्हीं पूड़ियों के लिए। रूपा ने सबके सामने गालियां दी, उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा, सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी। ये विचार कर काकी निराशमय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानी से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसी थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की शुद्धा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। वे बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई।
बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन, शुधातुर, हतज्ञान, बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट थी, कचौड़ियां कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि ना करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वो चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वो उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वहां उस समय हुई। एक ब्राह्मण दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोक में दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है, ये वो दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते थे। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहां, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है, उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। वह सोचने लगी, हाय, मैं कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है उसकी ये दुर्गति, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए पाए उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन ना दे सकी। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर हाथ में लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे। बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर बहुत सुख प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावृद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी।